2010 के बहुचर्चित टप्पल कांड में शहीद घोषित कंसेरा गांव का रफीक जिंदा है और घर लौट आया है। सियासी सरगर्मी बढ़ने के बाद प्रशासन ने रफीक को मृत मानकर परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया था। केसी से संघर्ष के बाद रफीक यहां से भागकर मुंबई चला गया था और वहां एक डेयरी पर नौकरी कर रहा था। बुधवार की शाम को वह जैसे ही पहुंचा, उसके पिता और कंसेरा के प्रधान टप्पल थाने पहुंच गए। वहां एसओ ने रफीक से पूछताछ के बाद उसे रात 10 बजे गाँव भेज दिया। रफीक के पिता एवं किसानों ने कई जगह धरना प्रदर्शन किया था। 14 अगस्त 2011 को जिकरपुर में टप्पल कांड की पहली बरसी पर नेताओं ने रफीक को मृत मान लेने की मांग की थी। उसके बाद प्रशासन ने सफिया को दो बार में 10 लाख रुपया मुआवजा दिया था। क्यों? बिना बताए मैं चला गया था 14 अगस्त सुबह को 8 बजे और 2000 रुपए लेकर, 2000 रुपए खर्च हो गए, इसी वजह से मैं घर नहीं आया और आगे बढ़ता चला गया, मुंबई चला गया। वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे क्या किया इतने दिनों? वहाँ पर डेयरी पर रहने लगा था और डेयरी पे करने लगा था, वहीं काम। फिर घर वापस कैसे आ गए? घर तो वापस अब आ गया था, मैंने उससे कहा था। लोकमंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह ने भी 1 लाख रुपए दिए थे। रफीक बुधवार शाम 6 बजे से टप्पल चौराहे पर आता रहा, वहाँ के सोनवीर नाई के पास बाल कटवा रहा था। तभी सोनवीर के छोटे भाई ने उसे पहचान लिया और रफीक के पिता सफिया को फोन से सूचना दे दी। कैश पेमेंट हुई, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि बेटा वापस आ गया और मतलब सरकार हमारे ऊपर कोई दबाव बनाती है और हमारी स्थिति पैसा वापस करने के लायक नहीं है और पैसा हमसे खर्चा। कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस की लापरवाही है, आपके जिंदा बेटे को मरा हुआ अंदर साबित कर दिया था। ये तो हमें मतलब यानी सारे शासन की मतलब यानी यहाँ से माते ये दिखाई दी कि मतलब यानी कि जिस चीज को पुलिस सीबीआई कोई भी जांच न कर सके और ये लड़का सोते ही यानी भगवान ने हमारे लिए जो है टपका दिया। गांव के पूर्व प्रधान करुआ के साथ उसके पिता और बेटे को लेकर टप्पल थाने पहुँचे। वहाँ जहांगढ़ के प्रधान ज्ञानी ने भी रफीक को पहचान लिया। रफीक ने बताया कि अगस्त 2010 की सुबह ही वह घर से 2000 रुपए लेकर बल्लभगढ़ के लिए निकल गया था। वहाँ से वह फरीदाबाद पहुँच गया, 2 दिन वहाँ रहा। वहीं पर उसने टप्पल कांड के बारे में अखबारों में पढ़ा। उसके बाद अमृतसर गया, फिर मुंबई चला गया। मुंबई में रफीक ने 1200 रुपए प्रति माह में ओमकार नाम के व्यक्ति की दूध की डेयरी पर काम किया। डेयरी संचालक ने काफी पूछताछ की मगर उसने अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताया। घर की याद आने पर पिता के नंबर पर फोन मिलाता था, आवाज सुनने के बाद काट देता था। 2 दिन पहले उसका मूड बदला तो वह घर के लिए चल दिया। हाँ, रफीक लौट आया है। लापता होने पर उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी।